हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जैन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ का मैथ। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ का लेसन नंबर 10, मेजरिंग टाइम, प्रॉब्लम सेट 43। यहाँ पर टाइम को हम लोग किस तरह से, जैसे क्लॉक दिया रहेगा तो उसके अंदर हम लोग कैसे टाइम को लिखेंगे, कैसे टाइम देखेंगे क्लॉक के अंदर, उसको हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोग बेसिक जो कन्वर्जन है उसको समझ लेंगे। जैसे 1 मिनट इज इक्वल टू कितना है हम लोग, 60 सेकेंड, है कि नहीं? और 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, है कि नहीं? फिर 24 आवर इज इक्वल टू 1 डे, है कि नहीं? इस तरह से हम लोग इसको, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमें पता ही है, उसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सेट 43 को सॉल्व करेंगे। राइट द टाइम शोन इन ईच इन द बॉक्स गिवन बिलो। पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइम देखना यहाँ पर देखेंगे। तो उसमें नॉर्मली किसी भी वॉच में नॉर्मली अगर देखोगे तो 3 हैंड्स रहेंगे ही रहेंगे, किसी किसी में 2 रहेंगे। एक जो हैंड्स रहेगा वो किसके लिए रहेगा, आवर का, और दूसरा जो रहेगा वो मिनट्स का, और थर्ड जो रहेगा वो सेकेंड का। ठीक है, ये 3 हैंड्स रहते हैं किसी भी वॉच में। नॉर्मली इसमें 2 ही हैंड्स दिए, मतलब एक मिनट का होगा और एक आवर का होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइम कैसे, तो कैसे दिखा रहा है देखो, 1 से लेके 12 तक नंबर से, मतलब ये 12 आवर्स का टाइम फॉर्मेट है। नॉर्मली टाइम फॉर्मेट कैसे है, 2 है, एक 12 आवर्स और एक 24 आवर्स। हम लोग आगे के लेक्चर में भी देखेंगे उसके। तो जो स्मॉल हैंड्स रहेगा उस नंबर पे, मतलब उतना टाइम हो रहा है, तो स्मॉल हैंड्स कहाँ है, 2 और 3 के बीच में, मतलब 2 o'clock। ठीक है, और जो मिनट हैंड्स है वो कहाँ पर है, 5 पे। तो अभी मिनट्स हैंड कैसे काउंट करेंगे, तो 12 और 1 के बीच में 5 मिनट्स है, तो सभी के बीच का 5 मिनट्स ऐड कर लो, तो 5, 10, है कि नहीं, 15, 20, 25, तो कितना आ गया, 25 मिनट, है ना, 2 o'clock 25 मिनट्स ऐसे नॉर्मली। लेकिन हम लोग उसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे हम लोग 25 मिनट्स पास्ट 2, मतलब 25 मिनट्स बीत चुके हैं, है कि नहीं? 2, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, 2:25 हो रहा है, है कि नहीं? मतलब 2:25 हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 25 मिनट्स पास्ट 2। उसी तरह नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अभी देखो यहाँ पर हम लोग का जो स्मॉल हैंड्स है वो कहाँ पर है, देखो 7 और 8 के बीच में, लेकिन ये नियरेस्ट किसके आ गया है, 8 के, मतलब लेकिन क्लॉक तो टाइमिंग कितना हो रहा है, 7 ही बज रहा है ना, 7 o'clock, फिर बाकी जो मिनट्स है वो हो रहे हैं। ठीक है, अभी 7 और 8 के बीच में मतलब कितना बज रहा है, 7 बज रहे हैं। अभी मिनट्स कितने हो चुके हैं तो काउंट कर लो, अभी देखो 5, 10, 20, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, 35, 40, 45, 50, मतलब 50 मिनट पास्ट 50 मिनट्स पास कितना, 7, क्योंकि 7 और 8 के बीच में ना, अभी 8 o'clock होने वाला है, 8 बजा नहीं है, 8 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है। जैसे ही यहाँ पर ये स्मॉल हैंड्स ठीक 8 के सामने आ जाएगा और जो मिनट हैंड्स 12 o'clock पे आ जाएगा, तो समझ लो उतना क्लॉक फिक्स हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, अगर 2 o'clock, तो 2 o'clock के लिए क्या रहेगा, स्मॉल हैंड्स यहाँ पर रहेगा और जो आवर का हैंड्स यहाँ पर हो जाएगा 2 पे, और मिनट्स का हैंड्स जो है वो 12 पर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर क्या दिया है, स्मॉल हैंड्स कहाँ पर है, 8 पर, और जो मिनट्स हैंड्स है वो 1 पे, मतलब कितना मिनट्स हो रहा है, 5 मिनट्स, कितने बजकर, 8 बज के। तो कैसे लिखेंगे, 5 मिनट्स पास्ट 8, है कि नहीं, 8 बज के कितना आ रहा, 5 मिनट। उसी तरह यहाँ पे स्मॉल हैंड्स कहाँ पर है, देखो 4 और 5 के बीच में, तो कितना बज रहा होगा टाइमिंग, 4 o'clock, है कि नहीं? अभी मिनट्स काउंट कर लेंगे, तो 5, अभी नॉर्मली 6 तक आ गया, 6 के इधर है, तो डायरेक्टली आप 30 ऐड कर सकते हो, है कि नहीं? अगर ये टाइम आप डिवाइड करो तो देखो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये 30 हो गया और ये 30, ठीक है, तो अभी यहाँ से लेके आता डायरेक्ट 30 और ये 10, कितना, 40, तो 40 मिनट पास्ट कितना, 4 o'clock, है कि नहीं? 4 बज के कितना आ रहा है, 40 मिनट हो रहा है, 40 मिनट यहाँ पे आ जाएगा, तो 45, 50,
55 और 60 मतलब 5 o'clock फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे क्या करना है, बॉक्स के अंदर हम लोग को टाइम दिया हुआ है, हम लोग को उसमें हैंड्स ड्रॉ करने हैं। क्या करने हैं हमें, हैंड्स ड्रॉ करने हैं, हैंड्स, ठीक है। तो हैंड्स कैसे, जैसे यहाँ पे हम लोग को ड्रॉ किया हुआ था, तो इसको अगर आपको समझ में आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसी की बेस पे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्या दिया है, 4:30, कितना आ रहा है 4:30 मतलब 4:30, ठीक है। तो स्मॉल हैंड्स कहां पर आ जाएगा, 4 और 5 के बीच में, क्योंकि 4:30 हो रहा है, और 30 तो 6 पे, क्योंकि देखो 5, 10 है कि नहीं, 15, 20, 25, 30, तो जो मिनट का हैंड्स है वो कहां पर आ जाएगा, स्ट्रेट 6 पे आ जाएगा, ये हो गया ड्रॉ, ठीक है। क्वार्टर पास्ट 9, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अभी ये टोटल कितना हो रहा है, 60 मिनट हो रहा है ना, तो हम लोग 60 मिनट का देखेंगे, ठीक है। 60 मिनट का, अभी इसमें दो है, एक तो क्वार्टर, तो क्वार्टर को कैसे लिखते हैं, 1/4, ठीक है। हाफ, हाफ को कैसे लिखते हैं, 1/2, और 3/4 को 3/4, ठीक है। यहां पर वर्ड आया है ना क्वार्टर पास्ट 9, तो हम लोग इसको कैसे समझेंगे, उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी क्वार्टर मतलब 60 मिनट का, सेम उसी तरह हाफ, 60 मिनट का सेम उसी तरह हाफ इसका, तो इसको अगर आप सॉल्व करते जाओगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। डिवाइड करके बता दे रहा हूं, एक बाकी का नंबर आप वैसे डिवाइड कर लोगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, मतलब कितना हो गया, 15 मिनट। मतलब क्वार्टर पास्ट बोला तो मतलब कितना आ जाएगा, 15 मिनट होता है क्वार्टर का मतलब, ठीक है। और हाफ बोले तो 30 मिनट, ठीक है। और 3/4 मिनट बोला तो कितना हो जाएगा, 45 मिनट। आए समझ में, अब हम लोग आ जाएंगे यहां पर, क्या बोल रहा है हमें यहां पर सेकेंड, क्वार्टर पास्ट 9, क्वार्टर पास्ट 9 मतलब 9 9 o'clock हो रहा, 15 मिनट, है कि नहीं। क्वार्टर पास्ट तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 15 मिनट, तो लिख लो यहां पे, ये हो गया हमारा आवर का, और यहां पर हो जाएगा हमारा मिनट का, कितना हो गया, क्वार्टर पास हो गया ना, क्वार्टर पास्ट 9, 9:15। आए समझ में, थोड़ा सा हैंड अप डाउन हो सकता है क्योंकि पूरा प्रॉपर मेजर नहीं है, आप समझ सकते हो थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा, लेकिन इसको हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। क्वार्टर टू फाइव, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कितना होगा, क्वार्टर टू 5, ठीक है। अगर रॉन्ग रहेगा तो फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर जरूर बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है ये, मैं आप लोगों के लिए इसके लिए दे रहा हूँ ताकि आप इसके ऊपर थोड़ा सा सोच के, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं, क्वार्टर टू 5, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है 20 मिनट पास्ट 11, सिंपल है, 20 मिनट पास्ट 11 मतलब 11 o'clock हो रहा और 20 मिनट, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा आवर्स का, ठीक है। अभी कितना, 20 मिनट पास्ट बोला हुआ है ना क्वेश्चन में, तो 5, 10, 15, 20, और ये कितने पे आ जाएगा, 4 पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, 20 मिनट पास्ट 11। तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉब्लम सेट 43 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहीं पर कंप्लीट हुआ। बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ साथ में अगर आप मेरी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके जरूर बताना। जितने लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।